कैसे कैसे सुनाएंगे। मैं दिग्विजय सिंह को आज कहना चाहता हूँ इस मंच से, दिग्विजय सिंह मैं बैंगलोर में था तो मेरे भाई पे केस रजिस्टर करके मुझे शूट पा रहे थे, मेरे बाप का हिम्मत है दिग्विजय सिंह, वो कहता है कि हम दो दो टाइगर मारेंगे, तेरे बाप ने भी कभी टाइगर मारा। दिग्विजय सिंह जी सुन लो, नरेंद्र मोदी आपके सामने भाई से दबने वाला नहीं है, चंबल की मट्टी में पैदा पला बढ़ा जान लगाने वाला आ गया पार्टी से मिलकर, आप सब लोग आए, आप सब स्वागत के लिए आए, आपका तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त। लोग तो सुन कहते हैं इसको, मैं ऐसे 13-14 विधायकों के साथ बोल रहा हूं, व्यवस्था मेरे पास थी, दिग्विजय सिंह आ जाते हैं, दिग्विजय सिंह का लड़का आ जाता है जयवर्धन सिंह के, एक जेतु पटवारी करके मिनिस्टर शिक्षा मंत्री वो आ जाता है, लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं, दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। मैं वहां पे आपका बेटा आपका भाई था, वो कहते मुझे जेतु पटवारी कहते हैं, तो मतलब चंपल से आता हो मुझे भी अभी हो गया कहते हैं, स्वीकार नहीं करेगा, वो मान सम्मान सम्मान से रहने वाला आदमी है, तो बंधु वहां पे आपका भाई आपका बेटा उसने पूर्व से लगातार रहना बैंगलोर में 22 दिन, बैंगलोर में 22 दिन 22 विधायक के साथ लंबे समय दिग्विजय सिंह पगला जाते का अहंकार है, राज घराने का दम है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो एक जो है ना स्वामंत्री सोच है, उनको क्या लगा कि अरविंद भदौरिया डर जाएगा, मेरे रियल वाले भाई को पुलिस से उठवाते हैं, मेरे घर में पुलिस भेज देते हैं, हर जगह कराने की कोशिश करते हैं, मुझे 100 फोन करते हैं, मेरे बंदे से मेरे नौकर को उठा के ले जाते हैं, एक बार अरविंद तो मत छोटा भाई उसको उठा के लेके जाते हैं, 6 घंटे तक रखते हैं, मैं दिग्विजय सिंह मुझे फोन करते हैं, अगर दिग्गी राजा तुम्हारे बाप पैदा फोटो कर लो एक ही राज जिसका कारणों से अरविंद भदौरिया झुकने वाला नहीं है, न डरने वाला है न दबने वाला है, जिन संस्कारों से बढ़ के हम गए हैं, जिन संस्कारों से हम निकले हैं, मैं संघ की शाखाओं में जाके अपनी जिंदगी के 14 साल आदिवासी अंचलों में जाके 20,000 परिवारों में तो भोजन करते करते कोई चांदी की चम्मच। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।